कैलाशपुर गांव में ज्योति अपनी माँ कमला के साथ रहती थी। ज्योति के पिता की मौत कैंसर के कारण कुछ साल पहले हो गया था। अपने पति के जाने के बाद कमला ही अपनी बेटी ज्योति का ध्यान रखती थी। वह सुबह सुबह उठकर गांवों गांव जाकर ठेले में सब्जी लेकर गांव में बेचा करती थी और उसी से थोड़े पैसे से ही अपने घर का गुजारा किया करती थी। आइए हरी सब्जियां ले जाइए। अरे वाह, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत ही हरी भरी और ताज़ा है। अच्छा, ये पालक कैसे दिया? जी, सभी सब्जियां सिर्फ 20 रुपए किलो हैं। आपको जो चाहिए ले जाइए। अच्छा, तो ये पालक 1 किलो और कद्दू 1/2 किलो, और हाँ, ये बैंगन भी 1 किलो कर दो। जी भाई साहब, अभी करती हूँ। कमला अपनी बेटी ज्योति को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए डाल देती है और खुद सारा दिन धूप में गली गली जाकर सब्जियां बेचती, जिससे उसका घर का खर्च चलता है। साथ ही ज्योति की पढ़ाई और कुछ पैसे ज्योति की शादी के लिए भी निकाल कर रख लेती। आ गई माँ, चलो आप हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना रख देती हूँ। मैं तो आपके आने की ही राह देख रही थी। आप मेरे लिए सारा दिन मेहनत करती हो और बहुत थक जाती होगी ना? मेहनत नहीं करूंगी तो अपनी गुड़िया के शादी के लिए पैसे कैसे इकट्ठा करूंगी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और ज्योति अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेती है। एक दिन तो अपनी माँ के साथ गांव के सरपंच की बेटी बाद ममता अपनी बड़ी बहू और दोनों बेटों के साथ सोनम के घर जाती है और उसकी माँ से उसका हाथ मांगती है। बहन जी, मैं गरीब सब्जी वाली हूँ और आपके बड़े घर में रिश्ता जोड़ने की मेरी हैसियत नहीं है। आंटी, रिश्ता हैसियत देखकर नहीं बल्कि दिल देखकर जोड़ा जाता है, और हमें ज्योति पहली नजर में ही भा गई। सही कहा बेटा तुमने, और हमें इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। ज्योति के लिए बड़े घर से आया रिश्ता देख कोमल खुश हो गई। ने अपनी जमा पूंजी निकाली और उसने अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। सब तैयारियां होने के बाद वह अपनी बेटी को ब्राइडल लहंगा दिलाने के लिए ज्योति के साथ शहर गई और सुंदर सा ब्राइडल लहंगा उसके लिए ले आई। मैं जानती हूँ बेटी, तुझे सरपंच जी की बेटी जैसा ब्राइडल लहंगा लेने का मन था, पर तेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं कि तुझे इतना महंगा दिला सके। कोई बात नहीं माँ, ये भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता। शादी से ठीक एक दिन पहले सोनम का ब्राइडल लहंगा चोरी हो गया और सब लोग बातें बनाने लगे। हाय, कितना बड़ा अपशगुन है, यह तो दुल्हन का लहंगा चोरी हो गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। बेचारी कमला के पास अब तो इतने पैसे भी नहीं होंगे कि उसे फिर से दिलवा सके। मेरी माँ ने कितने सालों से एक एक पाई इकट्ठी करके मेरे लिए शादी का जोड़ा बनवाया था, लेकिन अब क्या होगा। ये बात जब ज्योति की जेठानी को पता चली तो वो बाजार गई और ज्योति के लिए बहुत ही महंगा और खूबसूरत ब्राइडल लहंगा ले आई, जिसे देखकर ज्योति हैरान रह गई। ये तो वही लहंगा है जो सरपंच की बेटी मतलब सीमा ने अपनी शादी में पहना था। हाँ, हमें उसी ने बताया कि तुम्हें उसका लहंगा बहुत पसंद आया था, लेकिन इतना महंगा होने के कारण तुम ऐसा लहंगा अपनी शादी के लिए खरीद नहीं पाई। इसलिए जब मुझे पता चला कि तुम्हारा लहंगा चोरी हो गया है तो मैं इसे तुम्हारे लिए ले आई। दीदी आप बहुत अच्छी हो, थैंक यू सो मच। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने हमारी लाज बचा ली। ज्योति मेरी छोटी बहन जैसी है माँ जी, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अब कल इस जोड़े को पहनकर दुल्हन बनकर तैयार हो जाना, हम धूमधाम से बारात लेकर आएंगे अपनी दुल्हनिया को लेने। अगले दिन जब ज्योति वह ब्राइडल लहंगा पहनकर तैयार होती है तो वह किसी अप्सरा से कम नहीं लगती। सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं, उसे देख सीमा भी हैरान रह जाती है। ज्योति को इस ब्राइडल लहंगा में देखकर कमला की आंखें भर जाती हैं। फिर धूमधाम से ज्योति की शादी राहुल से खुशी खुशी हो जाती है।